ये सबूत अभी का असली चेहरा सामने आने के लिए काफी होगा सलोनी। और अगर एक बार ये बात सबके सामने आ गई कि अभी कितना झूठा हो सकता है, तुम्हारा मकसद तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। नहीं नाहर, सफर और मुश्किल हो जाएगा। आज अभी लापरवाह है, उसे हर बार जीत मिली है। वो ये सोचता है कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पहली हार उसे बहुत सावधान कर जाएगी। हमारा मकसद ये साबित करना है कि अभी ही पिया का गुनहगार है। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम हमारा सारा खेल बिगाड़ सकता है। हमें उसे इस तरह घेरना है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता ही ना बचे। और उसके लिए जरूरी है कि पिया का डीएनए टेस्ट हो सके, जो ये साबित कर देगा कि अभी नहीं पिया के साथ। हाँ सलोनी, शायद हमारा कदम अभी को सावधान कर देगा, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए हमें पिया को मिलकर उसे कन्विंस करना होगा। और मुझे ये होता दिखाई नहीं दे रहा। ये होगा ना हर, जरूर होगा। मेरे पास एक तरीका है। ये हो गई मालिश शुरू, आराम मिल रहा है। अच्छा पियाजी, एक बात बताइए, वो पुराने शहर में पहाड़ी के पीछे वाले मंदिर में गई हैं या नहीं आप? पुराना मंदिर? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। क्या कह रही हैं आप? आप इसी शहर की हैं ना भाई? हाँ, लेकिन अच्छा अच्छा समझ गई मैं। हमारी पियाजी को पूजा पाठ में विश्वास नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, लेकिन बस वहाँ जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। तब तो आपको जरूर जाना चाहिए। मैंने सुना है वहाँ हर किसी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सच्चे दिल से जो मांगो सब मिलेगा वहाँ। लेकिन मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास इतना अच्छा पति है, ससुराल है, सब कुछ तो है मेरे पास। अपने होने वाले बच्चे और पति की सलामती नहीं चाहिए आपको? बताइए। तब तो आपको जरूर जाना चाहिए पियाजी, उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता। भगवान की दया से आप तो बड़ी भली चंगी हैं। ठीक है, मैं किसी दिन चली जाऊंगी। अब किसी दिन क्यों? आज का दिन तो बड़ा शुभ दिन है पियाजी। आज के दिन वहाँ पे जो भी मनोकामनाएं मांगो सब पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है आपको आज जरूर जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए पियाजी। गिन्नी, मैं चली जाती, लेकिन अकेले कैसे जाऊँ? अभी तो सुबह सुबह ऑफिस के मीटिंग के लिए चला गया है, तो वो वापस आने के बाद मैं चली जाऊंगी उसके साथ। अब अगर अभी साहब को आज ही आने में देर हो गई तो? और वैसे भी पियाजी मैं हूँ ना, गिन्नी है ना। लेकिन अभी अभी साहब को क्यों बुरा लगने लगा? आखिर आप उन्हीं के लिए तो प्रार्थना करने जा रही है ना। चाहिए पियाजी, जल्दी तैयार हो जाइए। ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो परमिशन ले लूँ। हाँ। वाह गिन्नी वाह, कमाल कर दिया तूने। मन्नू भाभी तो कभी ऐसे शुभ काम के लिए मना करेंगी नहीं, और अच्छा मौका है, अभी साहब भी घर पे नहीं है। तेरा जवाब नहीं गिन्नी। माना हमारी जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है सलोनी, लेकिन एक बात कहूँ, इस तरह हम अकेले में एक दूसरे का वक्त तो मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक कमी है नार, पिछली बार पूरे परिवार का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ था, लेकिन इस बार अपनों की बेरुखी और नाराजगी ही अपने इस तरह साथ होने की वजह बन गई है। कितनी अच्छी हो तुम, एक फरिश्ते की तरह। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अपनों की नाराजगी और बेरुखी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, उनके मन में हमारे लिए फिर से वही प्यार जाग उठेगा जो हमारे जीने का सहारा है। हाँ कि नहीं बोलो? हाँ सलोनी दीदी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने पिया दीदी को अपने साथ मंदिर चलने के लिए मना लिया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो तुम दोनों? अब जैसे ही पिया जी तैयार होके आए, बस 2 मिनट में हम लोग निकल चलेंगे। अब उठिए, गिन्नी पिया को लेकर मंदिर पहुंच रही है। चलो दीदी, जल्दी चलिए, जल्दी आइए।
दीदी चलिए ना जल्दी, चलिए ना दीदी, कितनी देर हो गई आज तो। क्या हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं प्लीज? अभी शायद तब तक ऑफिस से वापस आ जाए। और अगर आज ही उन्हें देर हो गई तो? चलिए ना दीदी, बड़ा अच्छा शगुन है आज का, क्यों खोना चाहती है? चलिए चलिए। हारी धोने, अरे मंदिर का द्वार बंद होने में अभी बहुत टाइम है। अगर बहू का मन है अपने पति के साथ जाने के लिए तो तुझे क्या जल्दी पड़ रही है? मैं तो इनके भले के लिए बोल रही थी सेठानी, मेरा क्या, मैं तो हजार बार होके आई हूँ मंदिर। हाँ अरे मन तो मेरा भी था आज मंदिर जाने का, लेकिन क्या करूँ, घुटनों के दर्द की वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी चलते, कितनी भीड़ होगी वहाँ भक्तों की, फिर कितनी दिक्कत होगी मुझे इनका ख्याल रखने में। हाँ धक्का मुक्की उफ, और वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, है ना? हाँ बात तो तूने सही कही गिन्नी, वैसे कभी कभी तू समझदारी की बात कर ही लेती है। प्रिया बेटा जा, तू गिन्नी के साथ मंदिर जा, और देख मेरी तरफ से भी प्रणाम कर देना, और अभी और हमारे छोटे से परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना कर लेना। हाँ चले, संभाल के जाना बेटा, संभाल के। हाँ हाँ संभाल के ले जाऊंगी मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? वो मैं गिन्नी के साथ मंदिर जा रही हूँ। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, बहू का बहुत मन था तेरे साथ मंदिर जाने का, अब तू इसे ले जा। ठीक है, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। आप कैसे जाएंगे अभी भैया, आप तो अभी अभी आए हैं ना, थक गए होंगे ऑफिस से, आराम कर लीजिए। मैं हूँ ना गिन्नी, है ना, मैं ले जाती हूँ, आप आराम कीजिए। चल एक मिनट, प्रिया की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो मामूली सी बात है। चलो प्रिया। संभाल के जाना बेटा। हाँ जी मामा। क्या करूँ क्या करूँ, हाँ सलोनी दीदी का नंबर लगाती हूँ। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। क्या करूँ, नंबर तो लग ही नहीं रहा है। सलोनी दीदी प्लीज फोन लग जाए, भगवान करे। क्या करूं, फोन तो लग नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं। हाँ होटल का नंबर लगा के देखती हूँ, कहीं अभी तक वहां से वो निकली ना। हाँ हेलो जी, वो रूम नंबर 406 से बात कराइए। एक मिनट, वो लोग अभी अभी निकले हैं। क्या वो लोग निकल चुके वहां से? जी हाँ मैडम। अच्छा ठीक है ठीक है, अब क्या करूं? अगर अगर अभी भैया ने सलोनी दीदी और नाहर भैया को मंदिर में देख लिया तो तांडव करना शुरू कर देंगे। नहीं सलोनी, अभी तक तो नहीं आई। आज अगर हम उसे फोन पर अभी की बात सुना सके ना नाहर, तो प्रिया अभी के इरादे समझ जाएगी, फिर उसे डीएनए टेस्ट के लिए मनाने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। हम पिया को जितनी जल्दी अभी की असर बता सके उतना अच्छा होगा। मेरी बहन उस दरिंदे पर विश्वास करके उसके साथ रह रही है, वो बेचारी तो सोच भी नहीं सकती कि उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है, खुद उसके अपने पति से। तब पिया गई।
अगर अभी ने हमें देख लिया होता तो एक और नया तमाशा खड़ा हो जाता। हाँ, उसके बाद पिया को मनाना आसान नहीं होता। लेकिन पिया तो गिनी के साथ आने वाली थी, ये अभी कहाँ से आ गया? ये समझ लो कि अभी किस्मत उसका साथ दे रही है। ये अभी पिया को अकेले नहीं जाने देगा नाहर, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम पिया को अकेले मिलकर उसका विश्वास जीत ले। ये रिकॉर्डिंग तो उसे सुनानी है, फिर हमारा काम हो जाएगा। हाँ, अभी की आवाज ही पिया को उसके पति की हैसियत से वाकिफ करा सकती है। पिया को बहुत तकलीफ होगी जब उसे ये पता चलेगा कि जिस अभी पर उसने भरोसा करके अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी वही अभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने पति पर पूरा भरोसा है मुझे भगवान, इस विश्वास को हमेशा बनाए रखिएगा क्योंकि पति पत्नी के संबंध की बुनियाद तो आपसी प्यार और विश्वास ही तो होती है। मैं सिर्फ अभी और अपने परिवार के लिए सुख शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लगता है आज अपने भगवान से बहुत कुछ मांग लिया तुमने। मैंने तो बस यही दुआ कि तुम्हारे और मेरे बीच में शक को कभी कोई जगह ना मिले और हमारा रिश्ता हमेशा कायम रहे। इतना बड़ा धोखेबाज है लड़का, मेरी भोली भाली पिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है इसने। मेरा बस चले तो नहीं ना, जल्दबाजी में बात और बिगड़ जाएगी। आपने सुना ना पिया ने क्या कहा, वो पति पत्नी के बीच किसी भी शक को नहीं आने देगी। और जो पत्नी आंख मूंद कर अपने पति पर भरोसा करती है उसके विश्वास को तोड़ना आसान काम नहीं है। इस वक्त हमारा कुछ भी कहना पिया को अच्छा नहीं लगेगा नाहर। मन कड़ा करके अपने भाई को घर से जाने तो दिया और अब उसकी याद में खाना भी नहीं खाया जा रहा। ये कैसी नाराजगी है ब्रजेश, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि सलोनी नाहर की कमी तुझे कितनी खल रही है। बेटे, मुझे अपने परिवार के हर सदस्य की कमियां खरती है बाबा, क्योंकि वो सब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उनके बिना जीने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन नाहर और सलोनी ने जो कुछ भी किया है और वो भी इस घर की सबसे छोटी लाडली बेटी के साथ, वो मैं सहन नहीं कर सकता। नाहर भी पिया का भाई है ब्रजेश, वो अपनी बहन का बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन यही किया है उसने भाबो, सलोनी की बातों में आकर बार बार पिया की शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रहा है। सलोनी की भाषा बोलने लग गया है नाहर। पिया के साथ जो हादसा हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो गिल्ट हमेशा मेरे साथ रहेगा कि अगर उस रात को मैंने अपनी बहन को रोक लिया होता तो यह भयानक हादसा कभी नहीं होता। और अब जब पिया अपने पति के साथ खुशी से रहना चाहती है तो नाहर और सलोनी पिया को उन जख्मों की याद क्यों दिलाते रहते? ब्रजेश बेटे, भाबो, काश मैं तुझे बता पाती ब्रजेश के नाहर और सलोनी क्या करना चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा ये कि उनके इस व्यवहार के पीछे कारण क्या है। भाई, अगर पिया के लड़की हो तो मैं बड़ी खुश हूँ। कमाल है, क्या बात है। एक कावेरी की बेटी, एक पिया की बेटी, दोनों मिलके खेला करेंगे। अरे शुभ्रा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पापा, ये मेरा भी तो घर है, क्या मैं आ नहीं सकती? कैसी है? अच्छी। और पीयूष को लेकर नहीं आई? घर पर सो रहा है मम्मी। ये कौन है बेटा? ये हमारे मोहल्ले में रहती है, लाख की बड़ी प्यारी प्यारी चूड़ियां बनाती है, दूर दूर से लोग आते हैं इसके पास। अरे वाह, मैं बड़े दिन से सोच रही थी
कि पुरानी सिटी जाके पिया के लिए असली राजस्थानी लाख की चूड़िया बनवा लाऊं। इसीलिए तो लाई हूँ उनसे। मम्मी जी ने हमारे यहाँ बुलाया था तो मैंने सोचा यहाँ ले आऊं, आप सबके लिए भी चूड़िया बना देगी। अब आप बुरका उतार दीजिए, यहाँ सब घर के ही लोग हैं। मम्मी वो पर्दे का चलन है ना, वो क्या है कि बड़े बुजुर्ग तो इसे कहीं आने जाने भी नहीं देते। अब मम्मी जी इसे सालों से पहचानती हैं तो हमारे घर आ जाती है। पर यहाँ तो हम सब औरतें ही हैं, हमसे क्या पर्दा। अरे भूली गई, देवर साहब यहाँ बैठे। देवर साहब आप यहाँ क्यों बैठे हैं, जाइए अपना हिसाब किताब अंदर जाके कीजिए, जाइए। ठीक है भाई। पर मम्मी आप पापा को क्यों तकलीफ दे रही हैं, हम लोग चले जाते हैं ना। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है आप यहीं बैठ के काम कीजिए, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। कावेरी बेटा अपनी चूड़ियों का नाप दे दे और बता दे तुझे कौन सा रंग पसंद है। देवरानी साहब इतनी जल्दी क्या है। सबसे पहले पिया के लिए चूड़ियां बनेगी क्योंकि वो इस घर की सबसे छोटी और नई नवेली दुल्हन है। ठीक है मनु भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी हाँ क्यों नहीं, मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना, आप लोगों को मेरी परवाह क्यों होने लगी। अब तो जो भी होगा इस घर में वो आपकी इस नई नवेली बहू के लिए ही होगा। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा, तू ही पहले बनवा ले चूड़ियां। शुभ्रा बेटा इन्हें कावेरी के कमरे पहुंचा दे। वो बच्ची रो रही है, उसे भूख लगी है शायद। जब तक कावेरी बच्चे को दूध पिलाती है शुभ्रा एक काम कर, तो इन्हें पिया के कमरे में ले जा, हम सब भी वहीं आते हैं। जी चल जाए। अरे ये सब क्या कर रही है हमारी प्यारी पिया भाभी, घर में इतने सारे नौकर चाकर होते हुए आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। कैसी है आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो। अच्छा देखो किसे लाई हो अपने साथ, पता है ये लाख की चूड़ियां बनाती है, तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए लाई। दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं, इसकी चूड़ियां तो पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। अच्छा जल्दी से अपनी पसंद बता दो और अपना नाप भी दे दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब बैठिए ना प्लीज। बैठो बैठो, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपकी तसल्ली के लिए ना मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ, कहीं पापा या भी ना आ जाए ना, पर्दे का रिवाज है। थारी धौने, अरे मुझे क्यों अंदर आने से रोक रही है। अरे बेटा मुझे तो अंदर आने दो, दरवाजा क्यों बंद करी। और वैसे भी इसको घुटन होती है, ताजी हवा इसके लिए बहुत सेहतमंद है। बेटा हर रंग की चूड़ी बनवा लेना ताकि हर साड़ी के साथ काम आ जाए। शुभ्रा बेटा तू इसकी मदद कर देना चुनने में। जी हाँ? अच्छा मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बेटा मैं क्या कह रही थी, लाल चूड़ियां जरूर बनवा लेना, तीज आने वाली है। ये तो वो पायल है जो मैंने सलोनी को दी थी। नाप ठीक से लेना क्योंकि मुझे चूड़ियां थोड़ी ढीली पसंद है। रुको रुको रुको,